कितने में आएगा ये बड़ा टीवी? 1 लाख का। ए लड़की, तुझे पता भी है 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? काकू, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कम से कम सवाल तो मुश्किल पूछिए। 1 लाख में होते हैं 0, 5, और उस 1 के बाद जब 5 जीरोस लगकर टीवी आएगा ना, तो उसकी भी रेटिंग होगी 5 स्टार। उससे ना हमारी आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ेगा, और स्मार्ट टीवी होगा तो आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर कुछ भी कर सकते हो। और क्लैरिटी, ओ हो, क्लैरिटी तो आप पूछो मत, इतना क्लियर दिखेगा कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना आपके सामने हो रहा है। हाँ सही, सच्ची। हाँ ताई, अरे टीवी देखेगा तो मजा ही था वो जब HD हो। लगता है सही को किसी ने बताया ही नहीं है। सही, तुम्हारे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है। अब क्या तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर दिन रात टीवी के सामने बैठने वाली हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने बाकी दीदी, मैं ना खूब टीवी देखने वाली हूँ, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं, पढ़ाई करने के बाद वीकेंड्स पर। अब सिर्फ पढ़ाई करती रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। सही, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही। चलो एक काम करते हैं, ये टीवी मैं खरीद देता हूँ। भाई वैसे भी जब से मैं इस घर में वापस लौट कर आया हूँ, घर वालों के लिए मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, तो ये टीवी मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट। दादा, आपके जज्बात मैं समझती हूँ, लेकिन आपका ये ऑफर रिजेक्ट होता है। ये टीवी तो सबके कंट्रीब्यूशन से ही आएगा। इस टीवी के लिए सबको घर में योगदान देना पड़ेगा, और आपने और आई ने जो मुझे ये कैश दिया है ना, इस 8,701 में से 701 मैं रखूंगी, जिससे मैं, आपने कहा था ना, वो पेन, एक पेन खरीदूंगी और अपने पेशेंट्स को डॉक्टर बनने का प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगी, और बाकी का 8,000 वो मेरी तरफ से घर के टीवी के लिए योगदान। मस्त मस्त। अश्विनी, तू इसे दिवाली शॉपिंग के लिए लेकर गई थी ना, फिर इसे वो सोने की अंगूठी खरीद के देने के बजाय वही वो क्या कह रही है, स्मार्ट टीवी, HD TV, ऐसा कुछ लेकर खरीद के दे दी थी? कम से कम ये बार बार पैसा खर्चने की बात तो नहीं करती। अरे हमारे पुराने टीवी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो चल रहा है ना, तो उसे फेंकने की क्या जरूरत है? अरे मैं फेंकना क्या चाहती हूँ बाबा, मैंने कहा क्या कि मैं फेंकना चाहती हूँ? मैं फेंकना थोड़ी चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ एक नया टीवी लाने के लिए कह रही हूँ। वो एकदम स्मार्ट टीवी होगा, और उसके नए नए फीचर्स में प्रोग्राम्स देखने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एकदम बदल जाएगा काकू। और अब तो मोहित भी अभी टीवी पर आने वाले हैं, उनको बड़े टीवी पर एकदम क्लियर देखने में क्या मजा आएगा। मोहित, तू टीवी पे आने वाला है? ये 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 मेरा भाई टीवी पर आएगा, मेरा भाई टीवी पर आएगा। तो इसका मतलब मोहित की टीवी की नौटंकी देखने के लिए हमें 1 लाख रुपए खर्चा करने पड़ेगा। ये तो यही हुआ ना कि सूखी रोटी परोसने के लिए सोने की थाली खरीद ले। अगर काय है, कब से बोल रही है हमारे नेत्र, डोले, आईज खराब हो जाएंगे। अरे खराब नहीं होंगे, सब कुछ ठीक है, समझ लो। हमारी आंखें तब तक ठीक थी जब तक हमने तुम्हारी और विराट के गले लगने की तस्वीर नहीं देखी थी। ये अश्लील हरकत देखने के बाद मेरा तो टीवी भी देखने का कोई मन ही नहीं करता। ओ ना, मेरा भी। काकू, ओमी काका और सुनाली काकू ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी उस फोटो से वो टीवी ना एकदम अपवित्र हो गया है। प्लीज काकू, उस टीवी को बदल दीजिए उस टीवी को। काय बोलती है मुलगी, तेरी जबान तो कैची की तरह चल रही है, इतनी बेशरम लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। देखो बेटा, इस घर में सबसे कम टीवी तुम देखती हो, और तुम ही टीवी लेने के लिए जिद कर रही हो सबसे ज्यादा। मैं दूसरों के बारे में तो सोच रही हूँ, मैं ना जवान फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। मस्त मस्त। शादी के बाद खुद तो अपना सरनेम नहीं बदल पाई, और चव्हाण खानदान का रहन सहन बदलने चली है। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले पहले केक तो काट लो। लेकिन मामा, विराट तो अभी तक नहीं आया, तो हम उसका वेट कर लेते हैं ना थोड़ी देर। और अगर विराट सर पूरी रात नहीं आए
तो हम क्या पूरी रात उनका इंतजार करेंगे? हमने विराट का इतनी देर तक वेट किया है ना, तो थोड़ी देर और कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ कि हम केक कटिंग करने जा रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं। सम्राट सही कह रहा है। विराट फोन नहीं उठा रहा है। मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएंगे, इसलिए तो मैंने उन्हें फोन करना ही बंद कर दिया है। आगा सही, हो सकता है वो गाड़ी चला रहा होगा। आई, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे बातों में बहला लेंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है इस वक्त वो कहाँ होंगे और किसके साथ होंगे। कहीं साई वहनी को उस औरत के बारे में भनक तो नहीं लग गई। बड़ा कैसी बातें कर रही है, तुझे पता भी नहीं है कि वो किस काम से गया है। रहने दीजिए ना आई, आप इससे कुछ मत कहिए। ये सही है, सही कुछ भी कहती है कुछ भी करती है, क्योंकि इसे किसी का जवाब देना तो होता नहीं है। जवाब तो विराट सर नहीं देते ना। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं उन पर शक नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने भी वादा किया था कि वो यहाँ मेरे सेलिब्रेशन में मौजूद रहेंगे। क्या वो है यहाँ पर? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, उनके अलावा हर कोई है यहाँ पर। मुझे ना ही केक काटना है और ना ही कोई सेलिब्रेशन करना है। सही, सही, लड़की, सही। इतना सारा तामझाम तेरे लिए किया गया है, विराट ने ये सब नौटंकी तेरे लिए रखी है, और तूने कौन सी ये नई नौटंकी शुरू कर दी है? कहाँ जा रही है तू? शिवा, तू कहाँ चला गया था? अपनी बीवी को उसके रिजल्ट वाले दिन तुम परेशान कैसे कर सकते हो विराट? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे एक मिनट दे दो, सबको पता चल जाएगा और सई को भी पता चल जाएगा कि मैं गया कहां था। सनी, यस, आ जाओ। थैंक यू। वाओ वीरू, इतना बड़ा गिफ्ट सही के लिए। वाओ सही, देख वीरू तेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाया है। सही भाभी, कांग्रेचुलेशन फॉर द रिजल्ट्स और कांग्रेचुलेशन फॉर द टीवी। सही देख, तू अभी टीवी की बात कर रही थी ना, और वीरू तेरे लिए टीवी लेकर भी आ गया। देखा सही, मेरा बेटा तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। देखा, मैंने कहा था ना सही कि विराट जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेने गया होगा। वहिनी, देखा दादा आपके लिए वही गिफ्ट लेकर आए जो आपको चाहिए था, एक HD स्मार्ट टीवी। सही, यही वाला चाहिए था ना? हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन की बोलती भी कभी कभी बंद हो जाती है। अभी देखो कैसे शर्मा की चुप हो गई है, और थोड़ी देर पहले गुस्से में नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। देखा सही, विराट ने तुम्हें एक दिन में दो दो सरप्राइजेस दिए, और तुम के विराट पर भरोसा ही नहीं करती हो। लेकिन आई, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। हाँ तो मैंने बोला ना। बोल के तो आप हमेशा ही जाते हैं ना मुझे कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन फिर रात रात भर गायब रहते हैं बिना कुछ बताए। और आई ने आपको फोन में कुछ करते हुए भी देखा था जाने से पहले। वो तो सनी का ही मैसेज आया था, वो घर के बाहर पहुंच चुका था और जल्दी आने के लिए कह रहा था, इसलिए मैं निकल गया था। इसी के साथ तो टीवी लेने गया था मैं। आप तो बता दो गिफ्ट कैसा लगा। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बहुत पसंद आया। मुझे ना फैमिली के लिए यही गिफ्ट चाहिए था।
वैसे विराट, तू जो इतना बड़ा टीवी लाया है वो सिर्फ अपनी बीवी वाइफ पत्नी के लिए है या? काकू, ये टीवी सिर्फ सही के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए भी नहीं है। ये सही की इच्छा थी कि मोहित का नया शो हम सब साथ में बैठकर बड़े टीवी पर देखें, इसीलिए। पता है आपको, मोहित भी आकर ना एक नया टीवी शो मिला है। क्या बात कर रही हो, really so proud of him. हाँ, काश हमारे पास एक बड़ा टीवी होता तो पूरी फैमिली मिलके मोहित भैया का शो टीवी पे देखती, कितना मजा आता। और आप खरीद के भी ले आए, कितने में मिला, कहाँ से लिया और गारंटी कितनी है इसकी? अरे अरे अरे, कितने सवाल पूछोगी, एक बात बताओ, एग्जाम में तुम आंसर लिख के आई हो या सवाल पूछ के आई हो? अच्छा हुआ विराट तू ये टीवी लेके आ गया। हाँ उमी काका, आपको तो अच्छा लगेगा ही, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के पैसे से बच गए।